नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। मॉक टेस्ट का दौर चल चुका है ना, थ्योरी तो आप लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। बस मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले एक बार उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ जो अभी 11th और 12th में है, वो अभी भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उनको बाहर ट्रैवलिंग के अंदर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ से गोल चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे unacademy.com पर। ऑफकोर्स एक प्राइसिंग पेज दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं ड्यूरेशन, टाइम, जो कुछ भी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो 4,000 rupees इज द फीस। इसके अंदर आप रेफरल कोड एक एंटर करेंगे और ले सकते हैं डिस्काउंट। टीम अर्पित इज द रेफरल कोड, टीम अर्पित, उसे एंटर आप करेंगे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर देखेंगे एडजस्ट हो गया, 4,000 की जगह 3,600 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको पे करना है कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से। इसके फायदे क्या माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक तो घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं, अपने एजुकेटर से आप मोटिवेशन भी ले सकते हैं, स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आठ बजे, अरे सैटरडे नाइट डाला था ना कल, सैटरडे नाइट, अभी तो मैं हूँ माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए, ऑल गुड यार, ऑल फाइन, आप बताइए सभी। ठीक है, नो आइडिया यार, चलिए जी। पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, चलिए जिन्होंने पढ़ाई करनी है ना वो फोकस कर लेंगे एक बार करंट अफेयर्स के ऊपर, और साथ ही साथ आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन भी इसके अंदर है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ, हाँ जी, गॉड ब्लेस यू, हेयर स्टाइल ओपी, अरे थैंक यू सो मच। चलिए जी, पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटेमिनेशन डिवाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटेमिनेशन डिवाइस डेवलप्ड बाय CSIR, हाँ जी, और उसके साथ CSIR ने भी मिलकर, हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिकंटेमिनेशन डिवाइस, हाँ जी। अब ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। 7 तारीख की मैंने क्लास बना दी है, 7 को रही तो 8 को हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, अरे रुचिर उपाध्याय, जबरदस्त। आपकी आज बात मैं कर भी रहा था धीरज सर के साथ ना, मैं रुचिर की बात कर भी रहा था आज। चले जी, आंसर माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। चलिए जी, बाकी आपने, मुझे नहीं पता कम्युनिटी पोस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, चलिए जी, सुरक्षा इज द राइट आंसर, सुरक्षा, कम्युनिटी, सॉरी कम्युनिटी डिवाइस कह रहा हूँ, डिकंटेमिनेशन डिवाइस, सुरक्षा। चलिए जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ कैशियो रिसर्च, तो मोबाइल एप्लीकेशन एक बनाई है इन्होंने, उसका नाम क्या है भाई साहब। चलिए जी, अरे गॉड ब्लेस यू, बॉडी दिखाने के दौर तो चले गए यार, कुछ एप्स जैसा भी कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही, ठीक है जी, है किसी दिन दिखा देंगे आपको भी। चलिए कोई बात नहीं, आइए जी, हाँ जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टरेट ऑफ कैशियो रिसर्च ने लॉन्च करी है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, मैं आपको सीधा ही आंसर दे देता हूँ, कैशियो इंड इज़ द नेम, कैशियो इंडिया। ठीक है जी, याद रख लेना, बस ये इतना ही कर्म कर लेना कि याद कर लो बस, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है UPSC कभी भी कहीं भी कैसे भी। हु इज़ द हेड ऑफ द स्पोर्ट मिनिस्ट्रीज कमेटी टू सेलेक्ट दिस ईयर्स नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स, जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, वो उनकी नॉमिनेशंस के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। इस साल की जो कमेटी थी 2020 की माय डियर फ्रेंड्स, जो कमेटी थी उसको कौन लीड कर रहा था, बाल, अरे हाँ सफ़ेद हो गए, अब भी सफ़ेद नहीं होंगे तो कब यार, हाँ चलिए। अरे आप ये देखो कि आपके सर दिल से जवान है, ठीक है, दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखी। चलिए जी, शाबाशी,
अब ये बार बार सबको बताना जरूरी है डायनेमो? मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? हाँ चलिए जी। पक्की बात है, थर्ड का आंसर? अरे लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, मुकंदम शर्मा इज द नेम जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को चूज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उनको लीड कर रहे थे। आपके दोस्त की शादी मैं कैसे करा दूं? पहले मैं अपनी तो कर दूं यार, हद होगी। पोपट लाल बन गया वो, मैं तारक मेहता का। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट द ट्रुथ? ये माय डियर फ्रेंड कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, द टॉक्सिक ट्रुथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेट पॉल्यूशन अंडरमीन अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। आंसर इसका दे दीजिए जो कल था वो आज भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाइक कर दीजिए एक बार। यूनिसेफ ने माय डियर फ्रेंड करी है रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट का नाम है द टॉक्सिक ट्रुथ। चलिए जी, हमेद बाकायोको हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? माय डियर फ्रेंड कौन सी कंट्री का है बाकायोको? चलिए जी शाबाश, फटाफट से। चलिए मैं सीधा सीधा आंसर आपको दे देता हूँ, आइवरी कोस्ट इज द नेम। ठीक है, फटाफट से करेंगे, 50 क्वेश्चंस आई हैव विद मी टुडे, इसको फटाफट कर लेंगे। माई गोव प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड अ लोगो डिज़ाइन 2020 के, अगस्त 2020 के अंदर एक लोगो डिज़ाइन कॉम्पिटिशन रखा था माई गोव, इट मीन्स PMO ने, कौन से डिपार्टमेंट के लिए? हाँ जी, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इनमें से किसके लिए एक लोगो डिज़ाइन कॉम्पिटिशन रखा था बाय दी PMO? चले जी शाबाश। Everything is going smoothly, my dear friend RN Singh Negi. What about you? Prateek, मैं कल आया था वैसे। चल, love it too यार। चलिए जी। Answer फटाफट यार, come on, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल है ना, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए अगस्त 2020 के लिए कॉम्पिटिशन रखा गया था। चलिए, what is the name of the Crew Dragon spacecraft? ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था, अब बिना ऑप्शन मतलब देखिए इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से। बस जैसे ही कोई कन्या मिल जाए एक, सुंदर सी कन्या, शादी हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, सिर्फ शादी तक ही सीमित रहना, ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एंडेवर इज द नेम, ठीक है जी, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, नासा और स्पेसएक्स के बीच में जो हुआ था अपना एंडेवर, ठीक है जी। चले आगे, विच कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड टू सेट अप थर्ड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया? थर्ड पावर एक्सचेंज, फिफ्थ का ए है माय डियर फ्रेंड, ए ए आइवरी कोस्ट, ठीक है जी। PDF तो देखिए अभी नहीं मिल रही है फिलहाल, जैसे मिलेगी आपको, सबको मालूम है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, वो टीम अर्पित पे मिलती है, या फिर दी IAS गुरु एक मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाती है जी, ठीक है? दोनों में से किसी मिल जाएगी यार। PTC इंडिया इज द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब? ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, हालांकि इसका आंसर है IISc बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ठीक है जी, जो आपके कोविड टेस्ट के लिए मशीन बनाई गई थी, जो स्ट्रिप बनाई गई थी सबसे पहले IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने, ठीक है जी, द ओनली इंस्टीट्यूट जो टॉप 300 के अंदर आता है IISc बैंगलोर।
रिश्ते तो बहुत आते हैं यार, रिश्ते तो आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं यार, ऐसे मत करो यार। चलिए, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टिमेटेड दैट अबाउट 24 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन में ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। चले कोई बात नहीं, इसका आंसर यूनेस्को है वैसे। चले जी, विच कंट्री प्लेज होस्ट टू द मिलिट्री एक्सरसाइज काफकास 2020, जो इंडिया ने डिक्लाइन कर दी थी कि वो अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था काफकास 2020 माय डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले जी, बता दीजिए काफकास कहाँ हुआ था। ज्योग्राफी के भी साथ ही है माय डियर फ्रेंड, ज्योग्राफी के भी मैं लेके आया हूँ आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं, रशिया इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, रशिया। चलिए, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी, अरे कहाँ गए, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिव्यू एयर फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर माय डियर फ्रेंड? हाँ जी, बिपिन रावत, डी बी शिकातकर, आर चंद्रशेखर, ए एन दास। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, एक बार जल्दी से कर लेंगे इसका आंसर। हाँ जी, नहीं भैया, देखिए इस टाइम पर तो सिंगल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, डी बी शेखातकर इज द राइट आंसर, जो कि एक कमेटी लीड कर रहे हैं, उनके उसके चेयरमैन है ये, जो कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज कैडर के लिए। चलिए, विच स्टेट यूटी इज सेट टू रिस्टार्ट इट्स वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन फ्रॉम सितंबर 2020? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड? हाँ जी, दिल्ली इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया, हालांकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा वेग है, वैक्सीनेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिन पहले हुआ, दिल्ली से स्टार्ट था लेकिन। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन मैं गाइस इसके ऊपर आ रहा हूँ उसी को आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच माय डियर फ्रेंड? हाँ जी, माय डियर फ्रेंड इतना टाइम तो नहीं है अब, देखिए हालांकि मैं अनअकैडमी के ऊपर मैराथन लेने की सोच रहा हूँ, जल्दी करूंगा अभी स्टार्ट, बस ये आप मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स 10 से मोस्ट प्रोबली हो सकती है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, इन दिनों के अंदर हम करेंगे 200-200 क्वेश्चन करेंगे, और ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सब उसके अंदर मैं डाल दूंगा अपने एंड से, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ आपको मिलेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा चल रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए माय डियर फ्रेंड, सुमित नागल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17 का। विच सिटी इज टू होस्ट दिस शंघाई कॉरपोरेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट माय डियर फ्रेंड? कौन से, कहाँ पर हुई है, बीजिंग, मॉस्को या टोक्यो? हाँ जी, मॉस्को इज द राइट आंसर, डिफेंस मीट हुई थी और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसको वर्चुअली किया था अटेंड। चलिए, विच पावर जनरेशन कंपनी हैज बीन रैंक्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट मेड बाय मार्कोम कैपिटल? हाँ जी, पावर कंपनी जिसकी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलराउंड सबसे हाईएस्ट गई है 2020 के अंदर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अदानी पावर माय डियर फ्रेंड्स, हु हैज बीन गिवन एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी फॉर द पोजीशन ऑफ 6 मंथ्स माय डियर फ्रेंड? हाँ जी, प्रमोद चंद्र मोदी इज द राइट आंसर। अपॉइंटमेंट्स का ये क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल भी दिया है। चलिए जी, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन एंड द सीईओ माय डियर फ्रेंड, विनोद कुमार यादव इज द राइट आंसर। विनोद कुमार यादव इज द राइट आंसर, विनोद राय नहीं है, वो एक्स सीएजी है, विनोद कुमार यादव, राइट। चलिए, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चलिए जी, फटाफट से बता दीजिए कौन सी रिवर पे है।
लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया, लगभग 52-53 किलोमीटर का। हाँ जी हाँ जी, चलिए शाबाश, फटाफट। महानदी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ सीरियल्स। सही है जी। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ये गलत है जी। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। हालांकि आंध्र प्रदेश इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, बट आंध्र प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेस्ट बंगाल इज। गुजरात इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो 1 and 3 आर राइट माई डियर फ्रेंड, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। चले अब यूचरी से आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। माई डियर फ्रेंड, 4 तरीके के वैरायटी मिलती है सिल्क वैरायटी, चारों के चारों इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पर सिल्क की चारों वैरायटीज मिलती है, ठीक है। ओक एंड टसर उसमें से दो हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक टसर इंडस्ट्री। ओक टसर इंडस्ट्री, ये सिल्क की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी, सिल्क की बात हो रही है। ओक टसर इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है इन इंडिया। हाँ जी चलिए, कोई बात नहीं, मैं जितने आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैं इंडिविजुअली करूँगा, ठीक है। बेशक लेट नाइट सेशन लेने पड़े एग्ज़ाम से पहले, क्वेश्चन तो करेंगे मैक्सिमम कुछ जितना हो सकता है उतना करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यस, मणिपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितना आपके साथ, जितना मैं आपको मैक्सिमम दे सकता हूँ मटेरियल, जितना आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ वो उतना मैं आपके साथ करके जाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कोपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड माई डियर फ्रेंड। कोपोली कहाँ पर है? हाँ जी कोपोली, अरे अभी टेस्ट पर ध्यान दो। नहीं नहीं मैं बुरा कुछ नहीं मानूंगा आप आर्यन सिंह, मैं बुरा क्यों मानूंगा आपको यार। और अभी आप टेस्ट पर ध्यान दो, मैरिज मूरिज तो चलती रहती है, ठीक है। ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ अचीव करने ऐसा नहीं है लाइफ में, ठीक है। हो जाता है, नहीं भी हो रही है तब भी ओके। हाँ चलिए, आसाम इज द राइट आंसर, कोपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट आसाम माय डियर फ्रेंड। द वाटर कम्स टू इंदिरा गांधी कनाल फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स, सतलज ओनली, सतलज ब्यास रावी, सतलज ब्यास रावी चिनाब, इंदिरा गांधी कनाल। हाँ जी चलिए बताइए जी, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है ब्यास एंड रावी से, सॉरी सतलज एंड रावी से, सतलज एंड ब्यास से माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, सतलज एंड ब्यास से माय डियर फ्रेंड। बी इज द राइट आंसर। शुभम शर्मा, कुछ कुछ पहचाना तो हूं मैं आपको, शुभम। द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया माय डियर फ्रेंड, कौन से दो स्टेट है? झारखंड या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़ माय डियर फ्रेंड। कौन से दो स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? थैंक यू कुणाल नेगी जी, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, टू स्टेट्स लार्जेस्ट इन इंडिया, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है जी। चलिए, फ्रॉम विच डायरेक्शन त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश? हैं, त्रिपुरा इस तरफ है, बांग्लादेश इस तरफ है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट माय डियर फ्रेंड, नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट में है ना, राइट ना। नॉर्थ साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया आर लगूनस? लगूनस ब्रैकिश वाटर जहाँ से बनता है, एक बैरियर बन जाता है माई डियर फ्रेंड। शुभम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, ऑफकोर्स।
आइए, शाबाश। चलिए जी, चिल्का लेक बिल्कुल एक लगून है, पुलिकत एक लगून है, वुलर लेक लगून नहीं है, ये तो लैंडलॉक फ्रेश वाटर लेक है, कोनेरू लेक, लोनार लेक एक आपका लोनार इज़ नॉट योर लगून, हालांकि ये एक क्रेटर है ना, कोनेरू इज़। सो 1 to 4 इज़ द राइट आंसर, 1 to 4 ऑप्शंस में देखें हमारे पास है क्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, लगून की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स पे होती है, जहाँ पर माउथ ऑफ अ रिवर होता है और दूसरी तरफ आपका ब्रैकिश वाटर, सलीन वाटर आता है और वहाँ पर मिक्सअप हो जाता है, एक बैरियर भी बना होता है लगून जिसे हम कहते हैं। तो ऑफ कोर्स पुलिकट, योर कोनेरू एंड योर चिल्का, दिस थ्री आर लगूनस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी माय डियर फ्रेंड, गोवा, मुंबई, रुड़की, हरिद्वार। हाँ जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, या रुड़की इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, रुड़की, ठीक है। जवाई डैम विच इज बिल्ट अक्रॉस लूनी रिवर, लूनी रिवर हो गया है, तो माय डियर फ्रेंड द आंसर इज राजस्थान, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप, हंगरी, कोसोवो, चेक रिपब्लिक, स्पेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंड लॉक्ड माई डियर फ्रेंड, कम ऑन, वेरी इजी। एक तो आपने अगर सारी कंट्री के बारे में नहीं मालूम है, किसी एक कंट्री को सोच लीजिए, आंसर वहां से निकल आएगा, बहुत ऑब्वियस है। हाँ जी शुभम जी, पहचान लिया मैंने आपको, नीलेश जी आपको भी पहचान लिया मैंने, स्पेन इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, स्पेन लैंड लॉक नहीं है, है ना, यही है ना, विच इज नॉट अ लैंड लॉक, तो स्पेन इज नॉट लैंड लॉक ऑफ कोर्स। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन माय डियर फ्रेंड, मेडिटेरेनियन टू द अटलांटिक, बहुत आसान है, देखिए ये बिना ऑप्शन देखे ही आप लोग बता सकते हैं। विशाल भंडारी, विशाल भंडारी जी बिल्कुल पहचान लिया मैंने आपको, 2 month कोर्स, बिल्कुल। चलिए जी, पीवाई केव्स, चलिए, यस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज द राइट आंसर, राइट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चलिए, लिथोस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिथोस्फेयर माय डियर फ्रेंड, चलिए आंसर आप लोग दीजिए, मैं सारे आंसर मैंने ही दिए हैं अभी तक, नहीं मतलब आपने भी दिए हैं, ठीक है, गुस्सा नहीं करना। चलिए जी, कौन देने वाला आंसर इसका, लिथोस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फटाफट से आंसर, जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। चलिए, आज के बाद मैं ये ना मांग निकाल के नहीं आऊंगा, आप लोग जो कह रहे हैं ना सफेद बाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोलना जरूरी होता है, हैं? हाँ जी, हाँ जी, आर्यन सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल माय डियर फ्रेंड इज द राइट आंसर, काफी टाइम लग गया, मैं भूल ही गया था कि मैंने आंसर पूछ रखा है आपसे, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर माय डियर फ्रेंड, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का, कनाडा की मदद, पोखरण, सैंक्शंस, याद आया कुछ नहीं, याद आ भी जाएगा कोई बात नहीं, द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज अप्सरा माई डियर फ्रेंड, अप्सरा विद द असिस्टेंस ऑफ कैनेडा। चलिए, हाउ मच ऑफ लॉन्गिट्यूड अकाउंट फॉर 1 hour, अरे कतई आसान यार,
मैं हैंडसम कर रहा हूँ लग रहा हूँ होता है? अरे भाई नहीं कोई बात नहीं, मैं मुझे चलिए राम चल चलिए जी 15 डिग्री इज द राइट आंसर। 15 डिग्री के बीच का डिस्टेंस इज 1 आवर, ठीक है जी, राइट। चलिए एनाटोलिया इज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? एनाटोलिया माय डियर फ्रेंड, एनाटोलिया, हाँ जी एनाटोलिया, टर्की की बात कर रहे हैं शायद, हैं एनाटोलिया, टर्की एशिया, ठीक है जी। चलिए द पेनिनसुलर शील्ड फोर्स इज एक्टिव इन विच रीजन ऑफ द अर्थ? द पेनिनसुलर शील्ड फोर्स, हाँ जी पेनिनसुला शील्ड फोर्स, गाइज इसका मुझे आपको चेक करके बताना पड़ेगा। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ मैं अपने माइंड से, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 38 पे आ रहा हूँ, वैसे मिडल ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओपन स्काई पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग माय डियर फ्रेंड? ओपन स्काई पॉलिसी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिप्लोमेटिक या बायलैटरल रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए उन्होंने खोलना पड़ता है रास्ता, किसका? एविएशन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ओपन स्काई, ओपन स्काई इज द राइट, ओपन स्काई माय डियर फ्रेंड एविएशन के साथ। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम? मैंने पहले बताया आपको ए अवे पी पास, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस, अवे मतलब एपिलियन इज द राइट आंसर, ठीक है, यहीं पर दिख रहा है। डन 39 हो गए, 40 करवाऊँगा बस, चलो 50 कर लेते हैं पूरे। विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस, ये गाइज थोड़े थोड़े साइंस के क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, मैं आई एम लीविंग डैट क्वेश्चन। सेंट हेलेना आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? चले जी बता दीजिए, सेंट हेलेना, हाँ जी सेंट हेलेना आइलैंड्स, अटलांटिक ओशन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन एशिया? एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बहुत आसान क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैनियन इज फाउंड इन खजाकिस्तान? खजाकिस्तान के अंदर कौन सा कैनियन या गॉर्जेस मिलते हैं माय डियर फ्रेंड? चलिए कोई बात नहीं, शरीन कैनियन कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। चलिए आगे, येलो रिवर फ्लोस थ्रू विच कंट्री माय डियर फ्रेंड? येलो रिवर, चाइना इज द राइट आंसर, ठीक है। विच एंशियंट एस्ट्रोनोमर मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ हेलियोसेंटर मॉडल ऑफ यूनिवर्स? सबसे पहले किसने बनाया था जो अभी प्रेजेंट मॉडल है हमारे पास, या हाइपोथेसिस है, नॉट हाइपोथेसिस वो रियलिटी है, ठीक है। वो सबसे पहले किसने काम किया था, उसका मॉडल किसने बनाया था सबसे पहले? एनीवन आंसर 45 का माय डियर फ्रेंड, फटाफट से एनीवन 45 सी एरिस्टोटल, नहीं Aristarchus of Samos is the right answer. Aristarchus, सबसे पहले मॉडल इन भाई साहब ने बनाया था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं सुना है मैं कभी, लेकिन वो हैं, ठीक है। हाँ कहीं आप लोग बोलो कि हमने तो कभी सुना ही नहीं बुर्किना फासो कंट्री का नाम, ऐसी कोई कंट्री नहीं होती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, होता है। चलिए डायमीटर ऑफ सन माय डियर फ्रेंड, डायमीटर ऑफ सन
एनीवन? लव इट टू आरएनजी कहाँ चल दिया? तीन चार क्वेश्चन रह गए, कहाँ चल दिया? खाने का टाइम हो गया? अरे कोई बात नहीं, खा लेना खाना। 14 लाख किलोमीटर द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। विच प्लैनेट इज नोन एज द विंटर प्लैनेट? कहने का मतलब है कि उसके बाद के जितने भी प्लैनेट हैं वहाँ पर सनरेज इजली नहीं जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है, तो वहाँ से ही उसको कहना स्टार्ट कर देते हैं विंटर प्लैनेट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एनीवन? जुपिटर इज द राइट आंसर। जुपिटर इज आल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट। हाँ जी। विच प्लैनेट बेयर्स द नेम ए ऑन इट्स साइड? कौन से प्लैनेट के ऊपर ए दिखता है बड़ा बड़ा? हाँ जी, यूरेनस इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लैनेट? हाँ जी, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, कोई बात नहीं, हरा हरा दिखता है। नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। हाँ जी, अरे यूरेनस इज द राइट आंसर, हरा, ग्रीन, यूरेनस। विच प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद नासाज रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट मैसेंजर? मैसेंजर कहाँ गया था माय डियर फ्रेंड? रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट मैसेंजर। हाँ जी, जुपिटर हरा है, हरे कलर का है जुपिटर। कुछ भी आंसर दे रहे हो यार। सैटर्न हरा है, हद कर रहे हो यार। अच्छा, 50th का सैटर्न कर रहे हो? नहीं, वो भी नहीं है। मर्क्यूरी इज द राइट आंसर, मैसेंजर। ठीक है, मर्क्यूरी। नासा की बात करते हैं, जहां भी देखो एप्पल की बात करते हैं, एप्पल, नासा, हार्ले डेविडसन, उन लोगों ने अपने ब्रांड को ब्रांड कहा है। ठीक है, तो आप लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह वाह एप्पल ये वो। ऐसा मत करो, कुछ नहीं होते ब्रांड ब्रूड, कुछ नहीं है एप्पल वगैरह, कुछ नहीं है गूगल वूगल, ये सिर्फ उनकी कंट्री की पॉलिसीज है कि उन कंपनीज को इतना ज़्यादा पॉपुलर करना है कि वो बिके, महंगी बिके, और उनके पास ढेर सारा टैक्स आए और उस टैक्स को वो यूज़ करें अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, बाकी चलती रहती लाइफ हर किसी की, बढ़िया। चले गाइस, दिस वर सम क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है। धीरे धीरे मैं अपने जो क्वेश्चन एरिया है उसको भी बढ़ा दूंगा और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। इसी के साथ साथ अन अकेडमी के ऊपर भी क्लासेज आएगी, बहुत जल्दी आएगी, ढेर ढेर सारे क्वेश्चन की आएगी, दो दो घंटा उसको हम अटेंड करेंगे, 200-200 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए मौज कीजिए, खाना खाइए, टेंशन नहीं लेनी है, हैव कॉन्फिडेंस एंड हैव फेथ। ठीक है, चलेगा, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।